आइए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 10.1। एक ही तो एक्सरसाइज है 10.1 क्या, जरा रीड कीजिए। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेट्स स्कूल अहेड इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड ए। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। ठीक है, तो जरा देखिए, आप पहले बेटा एक ट्रायंगल ले लीजिए। ठीक है, अरे कहाँ गया ट्रायंगल, अरे किधर गया, ये रहा बेटा ट्रायंगल, ये ठीक है। और बेटा ये कैसा ट्रायंगल दिया हुआ उन्होंने, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में बेटा क्या होता है, हाँ जी, सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहां पर हुआ क्या है बेटा, जरा ध्यान से समझिए कि जो ए है वो भी ए है, जो वी जो बी है वो भी ए है, और जो सी है वो भी ए ही है। सारी की सारी साइड्स ए ए ए हैं। बेटा जल्दी से इधर बढ़ जाओ, बैठने दो से। ठीक है, अब हमें साइड ऑफ ट्रायंगल, साइड ऑफ ट्रायंगल बेटा क्या हो गई, ए हो गई। ठीक है, अब बेटा हमें क्या निकालना है, सेमी पेरीमीटर। और बेटा सेमी पेरीमीटर आपको दिया हुआ है, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर बेटा एस होता है, पेरीमीटर आपको दिया हुआ है, इसका आप हाफ कर लीजिए, आपके पास सेमी पेरीमीटर आ जाएगा, विच इज व्हाट, 90। ठीक है, अच्छा एक बात आओ, सेमी पेरीमीटर का क्या मतलब है भाई, एक बात बताओ, इसका आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, मतलब कि अगर मैं बात करूं पेरीमीटर की, पेरीमीटर दिया हुआ बेटा 180 सेंटीमीटर। पेरीमीटर निकालते कैसे बेटा, सम ऑफ ऑल दी साइड्स, मतलब के ए प्लस ए प्लस ए, इसकी सारी सारी साइड्स क्या हैं, ए ए ए, विच इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। अब जरा मुझे ये बताइए कि बेटा ए प्लस ए प्लस ए कितने ए हो गए, 3a, तो ये कितना आ जाएगा 180, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड, इसका मतलब यहाँ से आपके पास साइड आ गई है कितनी, 60 सेंटीमीटर। बताइए कोई दिक्कत, और आपके पास सेमी पेरीमीटर भी आ चुका है। अब ज़रा ध्यान दीजिए बेटा, हाँ जी पे योर अटेंशन हियर बेटा, आपको निकालना है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस कितना दिया हुआ बेटा 90, माइनस ए कितना दिया हुआ ज़रा देखिए कितना आया है, 60 आया है, तो 90 माइनस 60 आंसर कितना आएगा 30। यहाँ पर भी एस है 90 और साइड कितनी है 60, आंसर कितना आएगा बेटा 30, और यहाँ पर भी कितना आएगा बेटा 30, क्योंकि एस की वैल्यू सेम है और सारी के सारी साइड्स की वैल्यू क्या है 60 60 60। क्या समझ में आ रहा है, आपको निकालना क्या है बेटा, आपको निकालना एरिया ऑफ बोर्ड। एरिया ऑफ बोर्ड कैसे निकलेगा बेटा, हीरोन्स फॉर्मूला से निकलेगा, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, थोड़ा सा छोटा हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए, एस की वैल्यू बेटा कितनी है, हाँ जी एस की वैल्यू है बेटा 90, और एस माइनस ए की वैल्यू बेटा हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि कितना है 30। एस माइनस बी की वैल्यू बेटा कितनी, एस माइनस ए की वैल्यू पुट कर दी, एस माइनस बी की वैल्यू कितनी है बेटा 30, और एस माइनस सी की वैल्यू भी कितनी है बेटा 30। अब बेटा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ तो 30 का पेयर बन रहा है, तो एक 30 तो डायरेक्टली बाहर आ गया जम करके। अब ज़रा ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर है 90, क्या मैं 90 को ऐसे लिख सकता हूँ 3 into 30, हाँ जी किसी बच्चे को कोई दिक्कत, 90 को मैंने कैसे लिख दिया 3 into 30, और साथ में एक और भी तो 30 था। अब देखो ज़रा यहाँ पर भी एक पेयर बन गया, तो ये वाला 30 भी बाहर आ जाएगा, तो 30 into 30 और अंदर में क्या रह गया 3। तो बेटा यहाँ से क्या समझ में आता है कि एरिया ऑफ बोर्ड कितना है बेटा,
देखो 3 × 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 900 आ जाएगा, 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको चाहो तो लिख भी देना एक बार, क्या बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आपको करना है। एनी प्रॉब्लम? हाँ जी, कोई दिक्कत लग रही है? क्लियर है? प्लीज नोट इट डाउन।